WWE की तो हर साल मोटी कमाई होती रहती है, लेकिन WWE के ऐसे कौन से वो सुपरस्टार्स हैं जिनकी WWE में रह के मोटी कमाई होती है? कंफ्यूजिंग इंट्रो था, लेकिन क्या करें, जो मिला बोल दिया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब WWE की जैसे मैं कह रहा हूँ, हर साल हर महीने हर पेपर व्यू के अंदर मोटी कमाई होती है, लेकिन रिसेंट टाइम में एक लिस्ट आ चुकी है सामने और कौन से वो WWE सुपरस्टार्स हैं जो कि मोटी कमाई कर रहे हैं WWE के अंदर, और एज स्टार्स ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इस लिस्ट के अंदर हो चुके हैं शामिल, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मनी इन द बैंक 2022 को लेकर रीसेंट आमे WWE ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर डाली है। गोल्डबर्ग ने कहा रीसेंट आमे कि रोमन रेंस से हारना एलिमिनेशन चेंबर में उनके लिए काफी सेटिस्फाइंग चीज थी। प्लस सीना ने भी रिएक्शन दिया जब सिजारो ने WWE को कर डाला है लीव, और प्लस क्या सिजारो के WWE के साथ रीसाइन करते विंस मैकमैन उनको पुश देने वाले थे? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को कल के होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के जल्दी से छोटे से प्रीव्यू के बारे में। कल का जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है वो एक और बवाल शो होगा। शो के लिए एक मेगा मैच अनाउंस है क्योंकि मैकइंटायर का एक बार फिर से आमना सामना होगा मैड कैप मॉस के साथ में। अब मैं हाई पैसे कर रहा हूं, पता नहीं कौन सा बवाल मैच हो रहा है, लेकिन ये रीमैच एक बार फिर से कल स्मैकडाउन में होगा। समझ नहीं आ रहा कि WWE रीमैचेस पे रीमैचेस क्यों अनाउंस कर रही है। चलो बाय द वे मेरे हिसाब से रेसल मेने के लिए बिल्डअप होगा और कॉर्बिन आके इंटरप्ट करेंगे। साथ में शो के लिए एक विनर टेक्स ऑल मैच के जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो अनाउंस कर दी गई है। लेसनर रोमन आएंगे आमने सामने विनर टेक्स ऑल मैच जो रेसल मेने के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है, और अगर कोई स्टिपुलेशन ऐड होती है वो कल ही ऐड होती हुई नजर आएगी। प्लस प्लस शो के लिए सैमी ज़ेन को लेकर एक सेलिब्रेशन सेगमेंट अनाउंस कर दिया गया, और जहां तक मुझे लगता है शायद जॉनी नॉक्सवेल आ सकते हैं यहां पे, या फिर जो भी WWE मैच सेटअप करेगी सैमी ज़ेन का रेसल मेने को लेकर यहां पर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और देखते हैं इस बार कौन आके इंटरप्ट करता है सैमी ज़ेन की इस पूरी पूरी सेलिब्रेशन को, कहीं वो कोडी रोड्स तो नहीं है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो मनी इन द बैंक 2022 के WWE के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। जो मनी इन द बैंक 2022 होगा वो WWE का एक और गजब का शो होने वाला है। हम देख रहे हैं इस साल के WWE पेपर व्यूज की जो हाइप है किस लेवल की बनती है, वो अलग बात है। कभी कभी जो PPV है या फिर ज्यादातर जो PPV है फेल हो जाता है उस हाइप तक की चीजों को डिलीवर करने में, लेकिन मनी इन द बैंक 2022 को लेकर WWE रिसेंट आमे अनाउंसमेंट करती है। और वो अनाउंसमेंट ये कि जहां हमने लास्ट ईयर समर स्लैम 2022 देखा एलिजेंट स्टेडियम के अंदर, वहीं इस साल मनी इन द बैंक 2022 होगा, और लोकेशन ये WWE ने रिसेंट आमे अपने ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म कर डाली है। अब एलिजेंट स्टेडियम हमने देखा काफी कमाल का था, समर स्लैम का जो ओवरऑल लुक अगर मैं कहूं तो सही में काफी गजब का था। इवन जो फैंस है वो भी कितने ज्यादा तगड़े आए थे। अगर फैंस समर स्लैम से सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली वो फैंस फिर से मनी इन द बैंक को अटेंड करने के लिए आएंगे, लेकिन लोकेशन मेरे हिसाब से कमाल की है। और देखते हैं किस तरीके का मनी इन द बैंक 2022 जाने वाला है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार नेशन लीडर पुपुरुपु 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब जॉन सीना WWE से या फिर इस पूरी दुनिया से और स्पेशली इंडिया से कोई भी रिलेटेड चीज हो उस पर कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम पोस्ट करते रहते हैं, और रिसेंट टाइम में ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि सिजारो ने WWE को लीव कर दिया है। पॉइंट नोट करने वाला ये कि WWE ने रिलीज नहीं की सिजारो को, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद सिजारो ने नेगोशिएशन की और रीसाइन करने से मना कर डाला। और फाइनली इसको लेकर हमारे नेशन लीडर 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रिएक्शन देते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक बार फिर से जो अपनी स्टोन कोल्ड वाली टेम्पलेट है उसके ऊपर सिजारो का फेस वो पेस्ट कर देते हैं, और अब सिजारो को लेकर एक तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया जब सिजारो ने WWE को कर डाला है लीव। और ओवरऑल मेरे हिसाब से जो सारी चीजें हैं ना काफी ज्यादा सरप्राइज होंगी बैक स्टेज वाले लोगों के लिए भी। सिजारो ने आई गेस WWE के अंदर 11 साल से ज्यादा काम किया है, और 11 साल एक बहुत बड़े साल है, एक साल यहां निकलता है हम लोग 11 साल की बात कर रहे हैं, और सेम कंपनी के अंदर काम करना एज अ रेसलर। लेकिन मेरे हिसाब से सिजारो काफी चतुर निकले, उन्हें WWE से निकलना था तो फायर वो होने नहीं वाले थे, वरना 90-day क्लॉज वाला चक्कर आ जाता है। इसे दिमाग लगा के शांति से वो WWE से जाते हुए नजर आए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इस बार स्विस साइबॉट सिजारो के बारे में जुड़ी है, और काफी लोग ये कह रहे थे कि सिजारो को मेन इवेंट लेवल सीन तक पुश नहीं किया गया, लेकिन बाय चांस अगर वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते तो क्या जो सिजारो है उन्हें मेन इवेंट लेवल में बुक किया जाता, या फिर उनकी जो बुकिंग है वो ढंग की होती, या फिर नहीं? तो इसको लेकर रिसेंट टाइम एक अपडेट आई है सामने, और बताया जा रहा है कि WWE और सिजारो के बीच में डील कुछ इस तरीके से हुई। सिजारो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, WWE ने कहा भैया ये हमारा फलाना फलाना ऑफर है, आप एक्सेप्ट करो, न्यू डील साइन कर लो, लेकिन सिजारो डील देखते सीधा मना कर देते हैं। अब नेगोशिएशन होती है, WWE यहां पर कोई भी फिर से एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती नहीं है। सिजारो WWE कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से एक्सपायर होता है, और बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन कभी भी सिजारो को एज टॉप लेवल एथलीट नहीं देखते हैं। उनके हिसाब से ये इंसान उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के विंस मैकमैन की आंखों के अंदर कह सकते हो दृष्टि बनी हुई है कि भैया मेन इवेंट सुपरस्टार कुछ इस तरीके का होता है। सिजारो के अंदर कैपेबिलिटी वगैरह वो सभी चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता कि विंस मैकमैन ने कौन सा चश्मा लगाया कि उन्हें सिजारो की जो कैपेबिलिटीज हैं
उनकी जो काबिलियत है वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन ना अगर सिजारो रीसाइन कर भी लेते तब भी उन्हें एज जॉबर ही बुक किया जाता। लास्ट ईयर लगा ऐसा कि भैया एकदम कह सकते हो गोल्डन डेज आगे सिजारो के। सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच मिला रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया के बैकलैश के अंदर हमने देखा सिजारो वर्सेस रोमन के बीच में मैच। आई गेस वो रीसेंट टाइम के अंदर सिजारो का प्राइम टाइम था। लेकिन यस, ये कुछ बातें जो कि मैं बताना चाह रहा था कि अगर सिजारो रीसाइन करते तब भी उन्हें घंटा WWE पुश देने वाली नहीं थी। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार बिल गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर 2022 में एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अभी फिलहाल जो गोल्डबर्ग हैं वो एक फ्री एजेंट बन चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में। लेकिन रिसेंट टाइम में गोल्डबर्ग का इंटरव्यू होता है और बात करते रोमन रेंस के साथ हुए मैच के बारे में जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले गोल्डबर्ग यहां ये बात रिवील करते कि जब WWE ने उन्हें फोन कॉल किया एक गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस मैच के लिए जो कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर होगा, तो गोल्डबर्ग को उस टाइम कोविड था। सही सुन रहे हो, उस टाइम गोल्डबर्ग को कोविड था और WWE ने गोल्डबर्ग को एक हफ्ते का टाइम दिया था कि अपने आप को भैया सही से प्रिपेयर करो, जिम शिम जाओ, तैयारी वगैरह करो ताकि रोमन के साथ में तुम्हारा फ्यूड स्टार्ट हो सके। और गोल्डबर्ग कहते 30 वालों के लिए, 40 वालों के लिए, इवन 50 वालों के लिए भी ये चीज काफी टफ है अगर आप एक हफ्ते के अंदर कोविड को हरा दो, और आपको हराना ही हराना है। लेकिन गोल्डबर्ग ने स्टिल ये कारनामा कर दिखाया 55 की एज के ऊपर, उन्होंने कोविड को बीट के एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आए। अब वो बात करते एलिमिनेशन चेंबर की उनकी लॉस के बारे में, वो कहते जहां तक मुझे लगता है कि हारना वहां पर मेरा पूरी तरीके सही है। इवन मुझे ये लगता है कि अगर रोमन मुझे हार के एलिवेट और ज्यादा ऊपर होता है, वो अपने करियर को और भी ज्यादा ऊपर ले जाता है, तो उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूं। रेसलमेनिया के अंदर एक मैच होगा उसका लेजनर के खिलाफ, और अगर रोमन मुझे हरा के और ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है तो मैं उससे काफी खुश हूं कि रोमन का जो करियर है उसका जो पूरी रोड टू रेसलमेनिया कमाल की जा रही है, और मेरे हारने के बाद और उसके जीतने के बाद वो चीजें और भी ज्यादा बेहतर होगी। प्लस गोल्डबर्ग बात करते हैं कि वो देखना चाहेंगे रोमन रेंस को आने वाले टाइम में और भी ज्यादा सक्सेसफुल लेवल पे, और ये वो रीजन है कि गोल्डबर्ग काफी सेटिस्फाई है चाहे उनकी हार क्यों ना होगी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। प्लस वो बात करते हैं उनके पार्ट टाइमर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो कहते हैं देखो ऐसा तो होता नहीं, मैं साल में 2 मैचेस रेसल करता हूं, अब 6 महीने में रेसल करने आओ 6 महीने ना हो, मान लो अगर मैं एलिमिनेशन चेंबर में स्क्रिप्ट वाइज हरा भी देता रोमन रेंस को तो उसके बाद टाइटल लेके मैं घर चला जाता वापस, 6 महीने बाद वापस आता और फिर टाइटल को तब वापस लाता। देखो ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, इसलिए रोमन का जीतना वहां सही था और मैं भी उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूं। तो ये कुछ बातें गोल्डबर्ग कहते हैं, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग की बात भी सही है, कहां पार्ट टाइमर भैया टाइटल लेके इधर उधर घूमेंगे, और 55 के एज के ऊपर ये कारनामा कर दिखाना ये सिर्फ गोल्डबर्ग ही कर सकते हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE सुपरस्टार्स की, WWE के टॉप सुपरस्टार्स की मोटी कमाई के बारे में जुड़ी है। अब मोटी कमाई इन द सेंस वेट में नहीं है बल्कि तगड़े पैसों में है। अब हम जाते हैं WWE कितने करोड़ों अरबों खरबों कमाती रहती है, लेकिन अगर WWE सुपरस्टार ना घंटा WWE की कोई भी कमाई होने वाली नहीं। और रीसेंट टाइम में डेव मेल्जर की तरफ से वाली लिस्ट आती है सामने, हम जानते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस WWE के अंदर एक वन ऑफ दी हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स हैं। लेकिन डेव मेल्जर बताते हैं कि वो एक नई लिस्ट टाइप की आई है सामने, और यहां पर लेसनर रोमन के साथ साथ रोंडा राउसी और द वाइपर विल, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन, ये चार वो सुपरस्टार हैं जो कि सबसे ज्यादा टॉप सैलरी के ऊपर हैं WWE में। इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। रोंडा राउसी ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा नाम है वुमेन्स डिवीजन के अंदर, और ये वो रीजन उनकी जो सैलरी है वो एकदम टॉप के ऊपर आती है। ऊपर बात करें रैंडी ऑर्टन के बारे में, WWE के इतने बड़े लेजेंड हैं, अभी तक फुल टाइमर हैं, ये WWE के लिए बहुत बड़ी चीज है। बात करें रोमन लेसनर के बारे में तो ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है इनकी सैलरी इतनी ज्यादा हाई क्यों है। लेकिन इन चारों के बाद जो नाम आए सामने शायद वो आपको थोड़ा सरप्राइज कर देगा, वो द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का है। रिसेंट आमे एजे स्टाइल्स ने WWE के साथ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और बताया जा रहा है जो एजे स्टाइल्स का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वो $3 million का तो है, लेकिन फिर भी अब वो इसी लाइन में आ गए कि उनकी जो सैलरी है वो WWE के अंदर बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद एज, फिर गोल्डबर्ग जो कि WWE के साथ में रिसेंट आमे, उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक्सपायर हो चुका है, फ्री एजेंट बन चुके हैं। इसके बाद दी ए लिस्ट में मिस का नाम आता है सामने, कि मिस की भी जो सैलरी है वो काफी अच्छी खासी है, और वो भी WWE के टॉप सुपरस्टार ही माने जाते हैं। आखिर हॉलीवुड सुपरस्टार हैं WWE में इतने लंबे टाइम से, एक फेवरेबल हील मैं कहूंगा, आई मीन आप जेनरली उन्हें बुक कर सकते हो दिल से, इसलिए जो मिस हैं वो भी इस लिस्ट के ऊपर आते हैं टॉप पे। अब बात सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में होती है। सेथ रॉलिंस की सैलरी तो WWE में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बात करें उनके अगले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग जो उनका अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्हें रोमन ब्रॉक और रोंडा राउजी के लेवल पहुंचा देगा। अभी फिलहाल उनकी सैलरी है तो ज्यादा, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस डेफिनेटली रोमन ब्रॉक ऑर्टन और रोंडा राउजी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। क्या एजे स्टाइल्स का नाम सुनकर टॉप सैलरी के ऊपर आप लोग सरप्राइज हो या फिर नहीं, जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया
सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।